हेलो दोस्तों, आपका गार्डन टाइम चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में, जिससे कि पौधे में अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो ढेरों फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगेंगे, और अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो ग्रोथ भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है ओनियन पिल का लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसे हम प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर पे ओनियन पिल का लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं और इसे क्या क्या फायदे हैं, साथ ही साथ कौन कौन से पौधे में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ओनियन पिल का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें 3 चीजों का जरूरत पड़ने वाला है। प्याज के छिलके, ग्लास या कोई और बर्तन जिसमें कि फर्टिलाइजर रेडी किया जा सके, और पानी। सबसे पहले हम एक ग्लास में 200 ग्राम के आसपास पानी को ले लेंगे। उसमें 2 से 3 प्याज के छिलके को डाल देंगे। उसके बाद 24 घंटे के लिए हम उसे ठंडी जगह पर रख देंगे। 24 घंटे बाद हमारा जो फर्टिलाइजर है वह रेडी हो चुका है और पानी का जो कलर है वह लाल हो गया है। अब हम इस फर्टिलाइजर को अलग कर देंगे। फिर उसके बाद बराबर मात्रा में पानी को इसमें मिक्स कर देंगे। इस फर्टिलाइजर में पोटाश का मात्रा काफी अच्छा होता है और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं, इसलिए इसे फ्लावरिंग प्लांट में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इस फर्टिलाइजर को वेजिटेबल प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट में भी डाल सकते हैं। इससे प्लांट में फ्लावरिंग काफी ज्यादा हो जाता है और फ्लावर्स ज्यादा से ज्यादा फल बनते हैं। मैं इस फर्टिलाइजर को हर 15 दिन में एक बार अप्लाई करता हूँ। इस फर्टिलाइजर को मैं लगभग हर तरह के पौधे में अप्लाई करता हूँ, जैसे कि ब्रिंजर प्लांट हो गया, फिर उसके बाद मिर्ची का पौधा हो गया, चीकू प्लांट, लेमन प्लांट, गुड़हल प्लांट और भी बहुत सारे पौधे में मैं इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करता हूँ। इस फर्टिलाइजर को प्लांट में ऐड करने से मेरा वेजिटेबल प्लांट गमले में भी काफी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है और फ्रूटिंग प्लांट में भी काफी ज्यादा फल लग जाते हैं छोटे से गमले में ही। नंबर 2 पे है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। इस खाद में एनपीके का काफी अच्छा मात्रा होता है, जिससे कि पौधे में ग्रोथ काफी अच्छी होती है और इस खाद को हर तरह के पौधे में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए हम सरसों खली, पानी और एक मिट्टी का बर्तन का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास मिट्टी की बर्तन नहीं है तो आप कोई दूसरा भी किसी बर्तन में फर्टिलाइजर को बना सकते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम सरसों खली लेंगे और 1 लीटर पानी को कंटेनर में डाल दें और सरसों खली को उसमें रख दे। इस खाद को बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। हर दिन एक बार आप किसी भी डंटे की मदद से इसे मिक्स कर दे, जिससे कि खाद हमारा बनकर काफी अच्छा हो। 3 दिन हो चुका है और हमारा खाद पूरी तरह से रेडी हो चुका है, कलर भी हल्का येलो हो चुका है। अब 10 लीटर पानी लेंगे, उसमें ये खाद को डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। छोटे पौधे में 100 से 200 ग्राम डालें और बड़े पौधे में 250 ग्राम से 500 ग्राम खाद पौधे में अप्लाई करें। मैं इस खाद को अपने सभी प्लांट में डालता हूँ, जैसे कि बैंगन जिसमें अभी फ्लावर आने शुरू हो चुके हैं, मिर्ची, चीकू प्लांट, पोमेग्रेनेट यानी अनार और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट में मैं इस खाद को अप्लाई करता हूँ। नंबर 3 पे है टी लीफ फर्टिलाइजर यानी चाय पत्ती की खाद। इसे बनाने के लिए हम चाय पत्ती, पानी, ग्लास के जरूरत पड़ने वाला है। सबसे पहले 1 ग्लास में 200 ग्राम पानी ले ले और उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती को डाल दे। उसके बाद 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दे। 24 घंटे बाद हमारा जो टी लीफ फर्टिलाइजर है वह रेडी हो चुका है। अब इसे छन्ने की मदद से छान कर अलग कर दे खाद को। फिर उसके बाद बराबर मात्रा में पानी को मिक्स कर दे। इस खाद में नाइट्रोजन का काफी अच्छा मात्रा होता है, इसलिए आप इसे सीडलिंग लीफी प्लांट में बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप इस खाद को बड़े ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
नंबर 4 पे है लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर। इस खाद को बनाने के लिए हम 2 से 3 लहसुन के छिलके को पानी में डाल देंगे 24 घंटे के लिए, फिर उसे हम कहीं ठंडी जगह पर छोड़ देंगे। 24 घंटे बाद हमारा खाद जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम छन्ने की मदद से इस फर्टिलाइजर को छान लेंगे। फिर बराबर मात्रा में पानी को इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो खाद है एक तरह का इंसेक्टिसाइड है जो कि पौधे को इंसेक्ट से बचाता है और पौधे को काफी ज्यादा ग्रोथ करने में मदद करता है। साथ ही साथ इससे हमारे पौधे की जो जड़ होती है वह काफी ज्यादा हेल्दी होती है। नंबर 5 पे है काउ डंग का लिक्विड फर्टिलाइजर। इस खाद को बनाने के लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम कंपोस्ट को 200 ग्राम पानी में डाल देंगे और 48 घंटे के लिए उसे कहीं ठंडे जगह पर रख देंगे। फिर उसके बाद जब 48 घंटा हो जाए तब आप देखिएगा कि पानी का कलर हल्का हल्का चेंज हो चुका है। फिर उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दे और मिक्स करने के बाद छन्नी की मदद से उसे छान ले। छानने के बाद बराबर मात्रा में पानी को मिला दे और आप इस खाद को ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह पौधे के लिए सबसे लाभदायक खाद होता है जिसमें कि हर प्रकार का न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसलिए आप इसे हर जगह पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो या फिर बॉन्साई प्लांट हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर परिवार है सब्सक्राइब करें।